क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेनों में बस और कार की तरह रबड़ के टायर क्यों नहीं लगे होते हैं? और क्या आपको पता है कि एक टाइप की ऐसी भी आग होती है जो कि जल रही होगी पर हम इंसानों को दिखेगी नहीं? और क्या आप जानते हो कि एक ऐसी भी लकड़ी होती है जो कि शीशे की तरह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होती है? इस वीडियो में आप ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट को जानने वाले हो, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर वन, आपको तो पता ही है कि बिल्डिंग्स में शीशे लगते हैं, पर क्या आपके मन में कभी यह आया है कि शीशे के अलावा और क्या लग सकता है? कोई दूसरी चीज़ जो कि देखने में बिल्कुल शीशे की जैसी आर पार दिखती हो? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शीशे के जैसी एक टाइप की लकड़ी भी होती है जिसे ट्रांसपेरेंट वुड कहा जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, और ये लकड़ी अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, ये नोबल वुड मटेरियल है। और जो लोग घरों में दीवार पर शीशा लगाते हैं वो लोग शीशे की जगह पर इसे लगा सकते हैं। डैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है कि कनाडा में एक भी चूहे नहीं पाए जाते हैं, और आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं, और अंटार्कटिका में एक भी स्पाइडर मकड़े नहीं पाए जाते हैं? डैट वाज द फैक्ट। ये थे दुनिया के कुछ स्टैट्स। फैक्ट नंबर थ्री, आप सब लोगों ने आग को तो देखा ही होगा, वो विजुअल होती है, हम सब लोग उसे देख सकते हैं, बट एक टाइप की एक आग होती है जिसे कहते हैं मेथनॉल फायर। और इसमें क्या होता है कि जो आग लगती है उसे आप लोग देख नहीं पाओगे, मतलब वो इनविजिबल फायर होती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। देखो यहाँ पर आग लगी हुई है और दिख नहीं रही है, पर जब कोई जाएगा वहाँ पर तब इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मल फायर एंड मिथेनॉल फायर में यही अंतर होता है। फैक्ट नंबर फोर, आपका जो नर्वस सिस्टम है, मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो आप अपनी स्किन पर देख सकते हो। इसे दो मेडिकल स्टूडेंट ने 1925 में बनाया था, और इसे बनाने में 1500 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा था। और इसे आप कोई नॉर्मल आर्टवर्क मत समझना, क्योंकि इसमें एक एक नर्व को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है जो कि आपके शरीर में मौजूद है। ये एकदम 100% कंप्लीट डायग्राम है, और पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 ही डायग्राम मौजूद हैं। डैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, ग्रांडाला नाम की एक बर्ड होती है, और आप इसके ग्रुप को देख सकते हो। और इस ग्रुप में आप जो ब्लू कलर की देख रहे हो ये मेल हैं, और जो ब्राउन कलर की हैं ये फीमेल्स हैं, मतलब एक ही बर्ड की प्रजाति जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कलर अलग अलग होता है। डैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, इस फैक्ट को ध्यान से समझना। देखो चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, आपको तो ये पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों होते हैं एक एटम के अंदर। तो फैक्ट ये है कि जो चैडविक थे वो जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, और जो रदरफोर्ड थे वो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेजे थॉमसन के स्टूडेंट थे। डैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं स्पेस में वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, मतलब काफ़ी ठोस होते हैं। तो क्या है कि अगर आप न्यूट्रॉन स्टार का कुछ पार्ट तोड़कर अपने चम्मच में रखो, मतलब बहुत थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्टार का हिस्सा, वो इतना ज़्यादा भारी होता है कि सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का पार्ट 10 मिलियन टन्स, मतलब 9 अरब किलोग्राम का होता है। सोचो इतना ज़्यादा डेंस होता है न्यूट्रॉन स्टार। फैक्ट नंबर 8, देखो डियर कैसे होते हैं, हिरन। देखो डियर कुछ ऐसे दिखते हैं, बट एक टाइप का एक यूनिक सा हिरन होता है जिसे माउस डियर कहते हैं। आप इस इमेज में देखो ये कैसा माउस और डियर का मिक्स रूप लग रहा है, पर ये साल 1990 में पूरी तरह से लुप्त हो गए थे, बट अभी हाल ही में साल 2019 के नवंबर में फिर से देखे गए। डैट्स गजब। और इस माउस डियर का एक्चुअल एनिमल नेम है चोरोटैन। फैक्ट नंबर 9, आप मेरे को ये बताओ कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये क्या है, आपको क्या लग रहा है ये क्या होगा? देखो ये ह्यूमन हेयर है, यानी इंसान का बाल, और आपका जो बाल है वो काफ़ी पतला होता है, पर ये बाल की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इन सब के पहियों में तो रबड़ के टायर लगे होते हैं, बट ट्रेन के पहियों में रबड़ के टायर क्यों नहीं लगे होते हैं? तो आप जान लो, ट्रेन काफ़ी भारी होती है, तेज गति से चलती है और लंबी दूरी भी तय करती है। ऐसे में अगर उसके पहिए रबड़ के होंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखो ट्रेन के पहिए और पटरी दोनों मेटल से बनाए जाते हैं। देखो पटरी में ना ही किसी टाइप का छेद होता है और ना ही कोई उभार होता है, जिसके चलते दोनों की सतह आपस में टकराती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके चलते ट्रेन तेज गति से चल पाती है। अगर ट्रेन में रबड़ के टायरों का यूज किया जाए तो उसमें फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और ट्रेन का अचानक बस और ट्रक की तरह रुकना नहीं होता है। अगर रबड़ के टायरों को ट्रेन में लगाया जाए तो ट्रेन के इंजन का पूरा जोर टायरों को घुमाने में जाएगा, और ज़्यादा फ्रिक्शन से ट्रेन में लगे रबड़ के टायरों में आग भी पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो यही रीजन थे जिसके चलते ट्रेन में रबड़ के टायरों का यूज नहीं किया जाता है, बट अभी कुछ ऐसी ट्रेनें बन रही हैं जिनमें रबड़ के टायरों का यूज किया जाएगा।
आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।